चलिए एक सवाल हम करते हैं जिसमें हमें एफिशिएंसी कैलकुलेट करनी फ्रॉम द इनपुट डाटा गिवेन ऑन फॉर मशीन तो हमारे पास जो मशीन डाटा दिया है उसमें हमें मिला है थ्री पेस फोर पोल इंडक्शन मशीन विच इज रनिंग एट अ स्पीड ऑफ फोर्टीन सिक्सटी ये रोटर स्पीड हो गई और वोल्टेज रेटिंग है 500 हंड्रेड वोल्ट और 50 हर्ड इसकी फ्रीक्वेंसी है तो इससे हमें स्लिप निकालने के लिए डाटा मिल गया इसके बाद मोटर का मैकेनिकल पावर डेवलप्ड या मैकेनिकल पावर आउटपुट भी दिया गया है जो कि 20 एच पी है okay, तो हमें मैकेनिकल लॉसेस भी है लॉसेज आर फ्रिक्शन एंड विंडेज और मैकेनिकल लॉसेज दे आर 2.2 पॉइंट टू एच पी तो अब हमें निकालना क्या क्या है पहले तो हमें निकालना है स्लिप फिर रोटर कॉपर लॉस और उसके बाद चलिए तो शुरू करें सबसे पहले स्लिप निकालने के लिए हमें निकालनी होगी सिंक्रोनस स्पीड दिस पी नंबर ऑफ पोल्स कितने हैं फोर तो यहां से हमें मिली मोटर की स्पीड सिंक्रोनस स्पीड फिफ्टीन हंड्रेड और हमारे पास स्पीड दी है फोर्टीन सिक्सटी तो स्लिप वुड बी इजीली कैलकुलेटेड एन एस माइनस एन बायस कितनी आएगी पंद्रह सो माइनस चौदह सो साठ डिवाइडेड बाय पंद्रह सो विच गे सेवन और टू पॉइंट सिक्स सेवन परसेंट स्लिप निकल गया पहला सवाल खत्म अब हमारे पास जो मोटर में मैकेनिकल पावर डेवलप्ड है शाफ्ट पर पावर है वो हम जानते हैं आ, वो है पावर आउटपुट प्लस कॉपर लॉसेस राइट तो पीएम जो मैकेनिकल पावर है इसको हम लिख सकते हैं पावर आउटपुट प्लस लॉसेस रोटर लॉसेस और दी मैकेनिकल लॉसेस और हम इसको फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉसेज बोले हैं, तो इट इज वेरी कन्वीनियंट इट डिफ्रेंशिएटेड फ्रॉम दी अदर्स तो आउटपुट पावर हमारे पास कितना है ट्वेंटी एच और फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉसेस 2.2 तो 22.2 एचपी हमारा मैकेनिकल पावर हो गया ठीक है लेकिन मैकेनिकल पावर एचपी में दिया है इसको हम पहले कन्वर्ट करेंगे वॉट्स में तो 22.2 इनटू 735.5 दिस गिव्स अस 16.328 किलो और 16 328 वॉट्स ओके okay, तो ये हो गया हमारा मैकेनिकल पावर अब जो रोटर पर शाफ्ट से स्टेटर से जो पावर ट्रांसफर होता है वो होता है स्टेटर के लॉसेस को डिडक्ट करने के बाद और वो पावर कहते हैं एयर गैप पावर तो एयर गैप पावर के लिए जो फॉर्मूला है दैट वुड बी दिस मैकेनिकल पावर डिवाइडेड बाय वन माइनस एस तो यहाँ से हमें मिल जाएगा एयर गैप पावर इट इज वन सिक्स थ्री टू एट डिवाइडेड बाय वॉट इज अर स्लिप वन माइनस पॉइंट जीरो टू सिक्स सेवन तो यहां से हमें जो पावर मिल रहा है एयर गैप पर अवेलेबल दैट इज वन सिक्स सेवन सेवन सिक्स वॉट वी हैव टू डू इज हमें सारी पावर स्टेजेस पर कंडीशन uh, याद रखनी है कि कौन से पावर में से कौन सा लॉस डिडक्ट करना है सारे न्यूमेरिकल आसान हो जाएंगे अब हमारे पास एयर गैप पावर आ गया ठीक है हमें निकालना है कॉपर लॉसेस रोटर कॉपर लॉसेस तो ये कहाँ से आएंगे एयर गैप पावर में से जब हम मैकेनिकल पावर अवेलेबल को माइनस कर देंगे तो वी विल गेट कॉपर लॉसेस ऑफ दिस इंडक्शन मोटर तो ये क्या होंगे सिक्सटीन सेवन सेवेंटी सिक्स माइनस 16, 328, this gives us copper losses as 448 watts. ये भी निकल गया. अब हमें निकालनी है सी के लिए हमें इनपुट पावर चाहिए वी हैव गॉट आउटपुट पावर एंड वी हैव गॉट दिस इनपुट पावर दैट इज आफ्टर डिडक्टिंग दिज कॉपर लॉसेस ओके तो अब हम इसको निकालेंगे एफिशियंसी को एज आउटपुट पावरपुट पावर था ट्वेंटी इंटू सेवन थर्टी फाइव पॉइंट फाइव हमने जो कैलकुलेट किया इसकी नीचे जो हमने एयर गैप पावर यहाँ पर लिया है दैट शुड बी सिक्सटीन सेवन सेवेंटी सिक्स तो यहां से हमें रोटर पर जो अवलेबल पावर है उसके बेस्ड फ्रिक्वेंसी जो मिलती है दैट इज एटी सेवन पॉइंट सिक्स एट परसेंट